ठीक है, लास्ट टाइम हमने ऐसा ऑटोकैड फाइल पे जस्ट हमने मॉडल किया था यहाँ पे। ठीक है, अभी क्या करेंगे यहाँ पे, अभी हम लोग इसके साथ डोर प्लेसमेंट करते हैं और थोड़ा सा टेक्सचर भी देखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मुझे याद है कि भाई डोर मुझे बनाना था, डोर मेरे पास यहाँ पे, अभी थोड़ा सा आपको प्ले करना है। ठीक है, प्ले में क्या करोगे, आपको यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा स्केल भी करना है। ठीक है, जैसे मेरे पास चीज़ें बहुत छोटी हैं। ठीक है, ये होता है आपका यूटिलिटीज़, यहाँ पर होता है स्केल, ये देखो यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे स्केल सर्च कर सकता हूँ, ग्लोबल स्केल मिलेगा आपको यहाँ पे। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ, मुझे यहाँ पे स्केल एंड ग्लोबल स्केल में ढूंढना पे तो मिलेगा मुझे यहाँ पे, कहाँ गया, यूनिवर्सल स्केल भी होता है क्या यहाँ पे, देखें यहाँ पे हमारे स्केल है, स्केल है, मैक्स स्क्रिप्ट, ये सारे स्क्रिप्ट होते हैं ना, रिसोर्स कलेक्टर, ठीक है, सीन फाइल, सरफेस स्ट्रोक, ये कुछ एक पार्ट ऐसे जिसको मुझे अगर काम करना हो तो मैं यहाँ पे काम करके देख सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, पॉलीगन काउंट, रीस्केल वॉल यूनिट, ठीक है, रीस्केल वॉल यूनिट है। अभी रीस्केल करना है मुझे, सबको रीस्केल करना है, मेरे पास अभी 1 है, मैंने इसको क्या कर दिया, 10 times मुझे स्केल करना है, ठीक है, 10 times आपका स्केल हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ऐसा कि जब चीज़ें बहुत छोटी होती हैं, अगर मैं डोर बनाऊंगा तो डोर मेरे को बहुत प्रॉपर नहीं मिल रहा, तो इट मीन्स क्या कि सीन मेरे बहुत छोटा है। ठीक है, यहाँ पे 10 किया मैंने यहाँ पे, एक मिनट मैं इसको यहाँ पे क्या करता हूँ, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने 20 कर दिया यहाँ पे। ठीक है, ये देखो, ये आपको इतना बड़ा देखेगा यहाँ पे, जाता हूँ। अभी हमने यहाँ पे जो ग्लोबल स्केल किया, ये री स्केल का मतलब क्या है कि देखो, हम लोग मैनुअल भी स्केल कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर जो स्केलिंग होगा वो क्या है, आपके सीन में जितने मॉडल, टेक्सचर, लाइट सब कुछ होगा ना, सबका जो यूनिवर्सल स्केल करके देगा, मतलब कि उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अभी ये मैंने किया क्यों, ये भी आपको मैं बता देता हूँ। देखो यहाँ पे मैं जो ग्रिड दिखा यहाँ पे, ये ग्रिड है मेरे पास यहाँ पे, ग्रिड कहीं यहाँ दूर कहीं दिखेगा आपको, बाद में मैं जूम कर दूँगा, ये देखा ग्रिड बहुत ही छोटा है। अभी यहाँ पे मैंने क्या किया, टॉप पे गया, टॉप एंड जेड, यहाँ पे मुझे चाहिए बहुत ही प्रॉपर विजुअल हो गया यहाँ पे। दूसरी चीज़, मैं अभी चीज़ों को थोड़ा सा डील कर रहा हूँ, जैसे मैं यहाँ पे गया, यहाँ पे मैंने क्या किया, डोर में लिया, स्लाइडिंग डोर चाहिए, स्लाइडिंग में स्लाइडिंग लो या ये प्राइवेट है। ठीक है, इन डोर्स को पहले समझ लें यहाँ पे। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, अभी यहाँ पे मैं स्नैप करता हूँ, स्नैपिंग का अभी यूज़ बहुत ज़रूरी है। स्नैपिंग पे गया, ग्रिड पॉइंट है, ग्रिड लाइन है, ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करना है, वर्टेक्स पे कर सकता हूँ यहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ से यहाँ तक मैंने किया, मैं चीज़ों को अप कर रहा हूँ, मुझे कैसे पता चला, देखो इधर देखो, यहाँ पे हाइट दिख रहा है, हाइट यहाँ से बढ़ रहा है, माउस को ऊपर की तरफ ड्रैग करोगे, क्लिक करो, लेफ्ट क्लिक, परस्पेक्टिव में जाओ, तो आपको यहाँ पे दिखेगा जेड फॉर जूम, ये आपका दरवाज़ा आपका यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, अभी हमने जो दरवाज़ा बनाया है, ये दरवाज़ा कैसे खुलने वाला है, ये देखो ओपन, ये पार्ट ऐसे है। ठीक है, अभी मैं फिर से इस चीज़ को मैं क्रिएट करता हूँ, लेकिन यहाँ पर मुझे क्रिएट कहाँ पर करना है, ये देखो यहाँ पर मुझे करना है, एक परस्पेक्टिव पर रखना और एक यहाँ पर रखना, दोनों का तरीका समझने के, जेड फॉर जूम, ठीक है, जेड फॉर जूम ये पार्ट है ना मेरे पास यहाँ पर, देखो यहाँ इस पर मुझे क्रिएट करना है। ठीक है, कन्फ्यूजन के लिए तो मैं इसको फॉर टाइमिंग मैंने क्या हाइट कर दो, डिलीट कर दो, एज यूज़, देखो ये पार्ट में बस यहाँ पर रहेगा। अभी मुझे यहाँ पर जो डोर क्रिएट करना है, मुझे यहाँ पर क्रिएट करना है, तो डोर का हमें आइकन कैसे समझना है, ये देखो यहाँ पर गए हम लोग प्राइवेट वाले डोर पे गए, लेफ्ट क्लिक किया यहाँ पे, ये मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया यहाँ पे। ठीक है, ये पार्ट मैंने ऐसा कर दिया, देन यहाँ से देखो अब मैं क्लिक करा यहाँ पे, ये मैंने क्लिक कर दिया, अब यहाँ देखो, अभी ये पार्ट मैं एज ए फ्रंट भी देख सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, शिफ्ट F हटा देता हूँ, F फॉर फ्रंट एंड Z फॉर जूम, यहाँ देखो F3 करो, ये फ्रंट है मेरे पास यहाँ पे, L फॉर लेफ्ट एंड Z, तो ये मैं अगर देखूँ मेरे पास, अगर हम लोगों ने ये चीज़ स्नैप किया था, अगर आपको याद हो ये हम लोगों ने पहले स्नैप किया था, तो मेरे पास यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग ये चीज़ को मैं यहाँ से मैं मैनेज कर सकता हूँ। देखो तो मेरे पास दो डोर बनाया, डोर की हाइट देखो, डोर की हाइट एग्जैक्ट है कि नहीं, नहीं है तो कम ज़्यादा कर लेंगे यहाँ पे, ये देखो मैं डोर है यहाँ पे। ठीक है, अब ये डोर मैंने बनाया, इस डोर में आप देखोगे तो डोर के अंदर आपको चीज़ें मिल रही है, यहाँ पे हाइट एग्जैक्ट है, यहाँ पे कहीं लगे थोड़ा कम ज़्यादा तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, मॉडिफाई में गए आपने यहाँ पे हाइट को क्या कर दिया, यहाँ पे हाइट को ये ऐसे कर दिया, मैनेज कर दिया। ठीक है, काफ़ी तक हम लोगों ने अप्रॉक्सीमेट लिया यहाँ पे, डोर हम लोग ओपन करने वाले हैं, तो देखो ओपन हो रहा है कि नहीं हो रहा, टॉप पे जाके देखो यहाँ पे भाई ओपन किधर की तरफ हो रहा है, ये इधर की तरफ हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो अभी यहाँ पे मुझे क्या करना है, यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है क्या, यहाँ देखो कुछ ऑप्शन समझना, ये फ्लिप करने के लिए हो गया, यहाँ पे फ्लिप करते हैं यहाँ पे, देखो ये अब मैच कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, इसको दोस्तों मैं एनिमेशन भी दिखा देता हूँ, मेरे पास यहाँ पे पार्ट है यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इस वाले पार्ट को देखो यहाँ पे, मैं इसे ऑटो की देता हूँ और ओपन पे गए। ठीक है, ऑटो की ऑन कर दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे गए, यहाँ से मैंने क्या किया, ऐसे कर दिया, तो अभी क्या होगा, ये आपका पार्ट आपको यहाँ से एनिमेटेड दिखेगा, ऑटो के मैंने
ठीक है, देख रहे हैं अभी, अभी यहाँ पे मैं एक बार ऑल्ट क्यों करके देख लूँ भाई इसमें थिकनेस विकनेस है कि नहीं। देखा भाई थिकनेस है, थिकनेस आप दे सकते हैं यहाँ पे, ठीक है थिकनेस। ओके दरवाजे का थिकनेस आप देना चाहो यहाँ पे दो, ठीक है। यहाँ पे आपका लाइक 1 इंच पहले देखो कवर करो, यहाँ पे देखो डेप्थ हाइट यहाँ मिल गया, ठीक है। यहाँ पे देखो ये पार्ट आपको देख रहे हैं, यहाँ पे ये पार्ट हमने ऐसे कुछ किया यहाँ पे, तो थोड़ा सा प्ले कर लेना आप यहाँ पे कि भाई मुझे अगर ऐसा कुछ काम करना है तो मैं डोर पे थोड़ा सा एडजस्ट करना चाहूँ तो मैं ऐसे कुछ करने वाला हूँ लाइक दिस, ठीक है। पैनल चाहिए कुछ, पैनल मुझे अगर ऐसा कुछ चाहिए तो मैं ऐसे भी कुछ करने वाला हूँ, और ये पार्ट मैंने ऐसे कुछ कर दिया यहाँ पे, तो ऐसे नॉर्मल मेरे पास डोर बाई डिफॉल्ट मुझे मिल गया यहाँ पे, ठीक है। आप जस्ट प्ले करोगे तो आपको थोड़ा आइडिया मिल जाएगा। देखो यहाँ पे क्या पार्ट है, थिकनेस कितना है, थिकनेस आप दोगे, देखो थिकनेस आपको यहाँ पे देखेगा। यहाँ पे बेवल्ड करना है तो बेवल्ड में आपको ये और बेटर देखिए, यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे ग्लास है तो ग्लास आएगा यहाँ पे, ठीक है। बेवल्ड में आप यहाँ पे चीज़ को मैनेज कर सकते हैं, देखें एक इम्पैक्ट जो मुझे देने में टाइम लगता है, बनाने में टाइम लगता है, ये वहाँ पास बाई डिफॉल्ट यहाँ पे गिवन है कि भाई मेरे पास एक डोर बन गया यहाँ पे, ठीक है। वेट कितना करना है, वेट फॉर सेकेंड यहाँ पे। अभी एक काम है और यहाँ पे कर लेता हूँ, मुझे यहाँ पे टेक्सचर भी चाहिए, मैं यहाँ पे एक दो टेक्सचर भी मैं ऐड ऑन करना स्टार्ट कर देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, वुड सीमलेस टेक्सचर, मुझे यहाँ पे डार्क वुड देना है, ठीक है। मैं अगर समझता हूँ मुझे यहाँ पे इमेज चाहिए तो मैं कौन सी इमेज देने वाला हूँ, इस डिपेंड ऑन अस कि हम लोग का जो कलर थीम है, कलर थीम क्या ले रहे हैं। जैसे मैंने ये लिया, ठीक है, इसको मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, या फिर मैंने कहा ओके लाइक ऐसा कुछ लेना चाहता हूँ यहाँ पे, ठीक है। आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, डोर वुड भी कर सकते हो तो भी आपको मिल जाएगा, डोर वुड सीमलेस टेक्सचर तो भी आपको मिलेगा। जैसे यहाँ पे जो दरवाजे के टेक्सचर होते हैं ना वो आपको यहाँ पे देखेगा, भाई ऐसा कुछ हमें करना है तो हम लोग ऐसे कुछ कलेक्शन निकाल लेते हैं, ठीक है। देखो जो हमने डिज़ाइन बनाया वो यहाँ पे, ऐसी डिज़ाइन का आप चाहो तो ऐसे भी आप काम कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्या किया टेक्सचर कर दिया यहाँ पे, ठीक है। TXTURA कॉपी कर दिया मैंने यहाँ पे, देन यहाँ से मैं जब भी मैं पेस्ट करता हूँ फाइल सेव एज, तो मैंने यहाँ पे Ctrl+V देन एंटर, ठीक है। टेक्सचर मैंने कर दिया वुड, सेव कर लिया, ठीक है। एक दो वैरायटी ले लो ताकि आपको तो सा आइडिया मिल जाए, यहाँ पे डाल के देख लेंगे कैसा आ रहा है यहाँ पे। ये भी मैंने किया, ठीक है, ऐसे कुछ टेक्सचर जो लुक वाइज थोड़ा सा बेटर दिखे यहाँ पे, ठीक है लाइक दिस। चलो अभी 3-4 टेक्सचर हमने लिए यहाँ पे। अभी यहाँ पे आके हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, एम प्रेस कर दिया एम, ठीक है। यहाँ पे देखो थोड़ा सा मैं इसकी हाइट नहीं चाहिए मुझे, यहाँ पे इसकी विड्थ देखें फ्रेम का, थोड़ा सा फ्रेम की विड्थ में थोड़ा सा मैंने मोटा कर दिया यहाँ पे, ठीक है। ऐसे करके जो मुझे मैनेज करना मैंने मैनेज किया। दो तरीके के आपको मटेरियल अप्लाई करने होते हैं, यहाँ पे देखो एक है एम, एम से मैंने मैप यहाँ पे ऑन किया, कई बार आपके मैक्स के अंदर ऐसा भी खुल जाएगा, स्लेट मोड बोलते हैं सर, ठीक है। तो कन्फ्यूज नहीं होना, कॉम्पैक्ट में आ जाओ, कॉम्पैक्ट में इसमें कंफर्टेबल रहोगे, इसमें चाहो इसमें भी कर लो एज यू विश, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर मैंने क्या किया स्टैंडर्ड पे गया, अभी स्टैंडर्ड पे जाओगे तो यहाँ पे क्लिक करो, देखो यहाँ पे क्लिक कर दिया, यहाँ पे आ गया, ठीक है। इस पर डबल क्लिक किया, इस पर क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पे मैक्सिमाइज कर दो आप यहाँ पे, देखो मैंने यहाँ पे डबल क्लिक किया, यहाँ पे देखिए आप यहाँ पे ये वही है सेम चीज़, डिफ्यूज़ में गए, ठीक है। यहाँ पे क्लिक किया मैंने, बिट मैप कॉल किया यहाँ पे, Ctrl+V देन एंटर, यहाँ पे मैंने ये वुड ले लिया, ठीक है। अभी ये जो वुड है इस वुड को मुझे क्या करना है, ये देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ असाइन टू मटेरियल, ठीक है, असाइन मटेरियल टू सिलेक्शन, जो सिलेक्टेड है मैक्स में उस पर अप्लाई करना है, देखो हुआ, ठीक है। ये काम कर दिया मैंने यहाँ पे, राइट क्लिक करो यहाँ पे, ऑप्शन यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे दूसरा ऑप्शन यहाँ पे भी है, ये देखो यहाँ पे ऑप्शन देखना है, यहाँ पे ये बटन मैंने क्लिक किया तो ये बटन से यहाँ पे देखना स्टार्ट हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो अभी क्या होगा, इसका है, नाम है शो शेडेड मटेरियल इन व्यूपोर्ट, अभी यहाँ पे हो गया। अभी ये मैंने मैप असाइन कर दिया, देखो मैप मैंने दिखे लेकिन मैप मुझे बहुत बढ़िया नहीं दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो जनरेट मैपिंग कोऑर्डिनेट्स, देखो ये ऑप्शन ऑन करने से चीज़ें आपको अपने आप सही दिखेंगे यहाँ पे। यूज रियलिटी स्केल तो बहुत छोटा आता है, तो यहाँ पे रियल वर्ल्ड में होता क्या है, बहुत सब कुछ बहुत जूम, देखो अभी ये इतने छोटे में ये टेक्स्ट देख रहे हैं यहाँ पे, तो रियल वर्ल्ड हम लोग ऑन नहीं करेंगे, ये ऑन करेंगे यहाँ पे। अभी यहाँ पे मैंने किया, देखो सब कुछ टेक्स्ट यहाँ पे दिख रहे हैं, तो ऐसे करके मैनेज कर सकते हो, ठीक है। अभी ये पार्ट मुझे ऐसे कुछ काम करना है, प्रॉपर टेक्स्ट यहाँ पे विजुअल है, यहाँ पे एक दो टेक्स्ट का मैं वैरायटी देख लेता हूँ यहाँ पे। अभी देखो यहाँ पे क्या, दरवाजा का जो फ्रेम होता है, फ्रेम और दरवाजा वैसे दोनों एक ही का होता है, लेकिन हाँ अगर लगता है कि भाई मेरे माइंड में कुछ ऐसा है कि मुझे थोड़ा सा अलग करना है, तो यहाँ पर अलग करने में क्या होता है, मैं यहाँ पे मॉडिफाई लेता हूँ एडिट पॉली है, तो एडिट पॉली का अलग से यूज़ पता चलेगा। एडिट पॉली आ गया यहाँ पे,
मॉडिफायर है, इसको यहाँ पे क्या करो, ये एलिमेंट है, एलिमेंट को सिलेक्ट करो, ये एलिमेंट हुआ ठीक है। एलिमेंट को सिलेक्ट कर जब आप करोगे तो यहाँ पे नंबर आ जाएगा, देखो इसे बोलते हैं पॉलीगन आईडी मटेरियल ठीक है। अभी पॉलीगन आईडी मटेरियल का क्या काम है, देखो यहाँ पे देखो ये भी चार है, ये भी चार है, यहाँ पे इसको यूज़ क्या वो समझो, यहाँ पे सिलेक्ट आईडी, इस पर क्लिक करोगे अपने आप ये सिलेक्ट कर लेगा, मतलब चार नंबर आईडी पे अगर आप कोई और मटेरियल देना चाहते हो तो आप दे सकते हो। चलो अभी ये पार्ट मैंने यहाँ पे किया, इसको मैं थोड़ा सा दूसरे वे में समझाता हूँ, कॉम्पैक्ट में आ जाते हैं। यहाँ पे मैंने क्या किया, स्टैंडर्ड पे गए, यहाँ पे मुझे लेना मल्टी सब ऑब्जेक्ट, यहाँ ढूंढ रहे हैं पे मल्टी सब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आपको मिल जाएगा मल्टी सब ऑब्जेक्ट। इसका मतलब क्या, यहाँ देखो जिसका आर्ट ओल्ड मटेरियल मतलब पुराने वाले को हटा दो या फिर कीप बाई डिफॉल्ट रहने दो। आईडी देखो आईडी कितनी है पे 3 ठीक है। यहाँ पे अभी जितने पे आप चाहो आप सब पे अलग अलग, जितने जो आईडी दिख रहे हैं आपके पास यहाँ पे आप सब पे अलग अलग करना चाहो तो सब पे भी अलग अलग आए, जिस पे जो कलर है आप ये अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देखो जो भी काम दिखेगा आपने यहाँ पे, अभी मुझे इस पे जो काम करना मैं सब पे अलग अलग काम कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ देखो आईडी नंबर 4 है तो मैंने यहाँ पे 4 नंबर आईडी तक ये कॉपी कर दिया ठीक है। अभी मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, पहले यहाँ पे सेलेक्ट करो, यहाँ पे पिकर से पिक किया मैंने यहाँ पे, ये मेरे पास ठीक है, इसका नाम दे दो वुड ओके, वुड दिया हमने यहाँ पे। अभी इसके अंदर मुझे ये पहले नंबर पे देना है, ये देखो सब पे मुझे देना, तो सब पे मैं कैसे करने वाला हूँ, इसको यहाँ पे जाओ राइट क्लिक एंड कॉपी करना ठीक है। फिर इसमें गए, यहाँ पे जाके मैंने राइट क्लिक एंड पेस्ट कर दिया। अभी इसको मैं सिलेक्ट करके दिखाता हूँ, देखो सिलेक्ट किया, अब ये वाला मटेरियल असाइन करता, तो यहाँ पे इधर से तीसरा नंबर इधर से चौथा नंबर यहाँ पे देखो ठीक है। सो मैप में यहाँ पे ये दिख जाएगा, यहाँ पे इसके अंदर जाओगे तो ये एक्टिव देखे, यहाँ पे बाहर निकलने के लिए बटन है, अंदर जाने के लिए यहाँ पे यहाँ से बाहर ठीक है। अब देखो यहाँ पे जहाँ जहाँ पे आपको टेक्स्चर दिखा तो ये पहले नंबर पे ये है। अभी दूसरे नंबर पे अगर आप दूसरा मटेरियल देना चाहो तो दूसरा मटेरियल भी दे सकते हो, जैसे यहाँ पे देखो दूसरा यहाँ पे, अभी यहाँ पे मैंने इसे कॉपी किया, मैं कह रहा हूँ दूसरे पे भी मुझे यही देना है तो दूसरे पे भी यही दे दिया मैंने। यहाँ पे अंदर जाओ और ये बटन क्लिक कर देना तो दिख जाएगा आपको ठीक है। फिर बाहर आ गए, तीसरे पे भी ये देना है, पेस्ट कर दिया मैंने यहाँ पे ठीक है। ये देखो तो तीसरे में ये आ गया अंदर। अभी जैसे कि अभी आपकी रिक्वायरमेंट है इस वाले को अलग टेक्स्ट देना है, तो मैं चौथे नंबर मैंने अलग कर रखा है, यहाँ पे गए ठीक है, नाम करो वुड ठीक है। डिफ्यूज पे गए, पिक मैप पे गए, यहाँ पे मेरे बस ये टेक्स्चर मैंने लिया यहाँ पे ठीक है, ये टेक्स्चर लिया और मैंने यहाँ पे बटन अप्लाई कर दिया। तो अब देखो आपका यहाँ पे टेक्स्चर अलग हो गया यहाँ पे। तो अगर आपके मन में है कि यहाँ टेक्स्चर अलग करना है और यहाँ टेक्स्चर अलग करना है तो आप यहाँ पे कर सकते हो यहाँ पे ठीक है। अभी क्रॉस चेक करो आप यहाँ पे, ये आप वर्ड आपका यहाँ पे आ गया यहाँ पे ठीक है। तो ऐसे कुछ काम कर सकते हैं यहाँ पे। अभी राइट क्लिक अनहाइड ऑल कर दो यहाँ पे, एक बार क्रॉस चेक करो भाई रेंडम में सही दिख रहा है कि नहीं। तो शिफ्ट क्यों कर दिया मैंने यहाँ पे, आपको यहाँ पे टेक्स्चर दिखेगा क्या कि भाई कैसे क्या काम करना है और किस तरह से चीज़ को मैनेज करना है ठीक है। ये वीडियो में हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे। अभी ये बेसिक मैंने आपको बताया, चलो ऐसे कुछ हमने काम किया, इसका नाम हमने दे दिया डोर दे दिया ठीक है। तो डोर ये मेरे पास आ गया यहाँ पे ठीक है। डोर की प्लेसमेंट एज यू नो आप लोग यहाँ पे टॉप व्यू से जाके आपको कर लेना ठीक है। कि अभी आपको यहाँ पे किया तो मैं इसकी एक दो प्लेसमेंट आपको मैं करके दिखा देता हूँ यहाँ पे ठीक है। ये मैं एनिमेशन के साथ लेता हूँ ताकि आपको आइडिया मिले कि दरवाजा खुला है कि नहीं ठीक है। तो यहाँ पे मैं सिंपल सा पार्ट, यहाँ पे मिरर, मिरर का भी यूज़ आपको थोड़ा सा आइडिया मिलेगा यहाँ पे ठीक है। मिरर का हम लोग यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे मिरर किया मैंने यहाँ पे, तो ये पार्ट में किस एक्सिस में जा रहा है, एक्स में जा रहा है, एक्स में जा रहा है, मुझे जेड पे चाहिए। तो देखो जेड में यहाँ पे ये यहाँ पे आ रहा ठीक है। और मैंने यहाँ पे देखो ये पार्ट ओके, ये कुछ मूवमेंट हो रहा है यहाँ पे। अभी यहाँ पे कॉपी करता हूँ, यहाँ पे कॉपी करने मैं इसको यहाँ पे उठा के यहाँ पे लगा देता हूँ। यहाँ स्नैपिंग का आपको बहुत बढ़िया यूज़ होने वाला है, तो स्नैपिंग बहुत बढ़िया से करना, जी फॉर ग्रिड देख रहे हैं यहाँ पे। अभी किसको स्नैप करने वाले, देखो यहाँ ये मैंने स्नैप यहाँ पे किया। अभी इसके अकॉर्डिंग तो मेरे पास दरवाजा अंदर जा रहा है ना, तो यहाँ पे मैं पावर पे आऊँगा यहाँ पे, और इसके अंदर मैंने यहाँ पे क्या किया, विड्थ को कम करके देखेंगे यहाँ पे, तो विड्थ यहाँ पे, तो मुझे स्नैप किसको करना है, इसको पकड़ के इसको स्नैप देखा यहाँ पे देखें यहाँ पे, इसको पकड़ के मैंने यहाँ पे स्नैप किया यहाँ पे। अभी मैं विड्थ को कम कर दूँ, विड्थ कम हो जाएगा मेरे पास, तो ऐसे करके मैं मैनेज करने वाला हूँ ठीक है। हाइट है, डेप्थ है, डेप्थ को कम कर सकता हूँ यहाँ पे, तो डेप्थ को मैंने ऐसे कोई कुछ किया भाई, चलो इसको पकड़ के यहाँ पे मैंने कर दिया ठीक है। ऐसे करके मैनेज करना पड़ेगा, जब तक आप ये करोगे नहीं तब तक आपका ये बढ़िया नहीं दिखेगा। अभी हम लोगों ने देखो, हम लोगों ने कॉपी किया कि नहीं, हम लोगों ने मिरर किया था, लेकिन हमने कॉपी वाले ऑप्शन पे मैंने काम ही नहीं किया, तो कॉपी पे करो यहाँ पे, कॉपी पे लिया। अभी देखो यहाँ पे ये पार्ट मैंने यहाँ पे किया ठीक है, सेम चीज़। अभी एडिट पॉली का यूज़ भी समझ में आ गया होगा,
कि भाई एडिट पॉलिसी का यूज़ क्या है। मैंने सेम चीज़ मैंने आपको बताया कि ये काम हम लोग जब करेंगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि एडिट पॉलिसी का काम यूज़ क्या है, ठीक है, और काम कैसा होता है यहाँ पे। तो ऐसे करके मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अभी ये सेम फंडा जब तक आप इसे प्लेसमेंट नहीं करोगे तब तक आपको आइडिया नहीं मिलने वाला, ठीक है। अभी यहाँ देखो, यहाँ पर मैंने कॉपी किया, शिफ्ट एंड कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको यहाँ पे स्नैप कर देता हूँ यहाँ पे, और देन रोटेशन में जा सकता हूँ यहाँ पे। रोटेशन है मेरे पास यहाँ पे, रोटेशन पे गए 90 एंगल पे, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे मैनेज कर दिया। अभी यहाँ पे मैंने मैनेज किया, मुझे अभी क्या करना, उल्टा करना है। अभी उल्टे का ऑप्शन मेरे पास इसके अंदर है कि नहीं, देखो पहले यहाँ पे फ्लिप किया तो फ्लिप से काम चल जाएगा यहाँ पे, देखो यहाँ पे। अभी ये अपोजिट जा रहा है यहाँ पे, फ्लिप तो किया लेकिन फ्लिप में वो चीज़ नहीं आ रहा है, यहाँ पर अंदर आ गया, ठीक है। लेकिन मुझे अभी यहाँ से फ्लिप करना था यहाँ पे, मैं मिरर करूँगा, मिरर में आकर मैं कॉपी नहीं करने वाला यहाँ पे, ये ध्यान देना है। अभी देखो यहाँ पे ये ऐसे करके मैच करना है कि वही, मैं अगर यहाँ पे थोड़ा सा मैं मैनेज करता हूँ, देखो अभी तो ये ऐसे करके आपको मैच करना है ताकि आपका काम यहाँ पे बैलेंस हो सके यहाँ पे, ठीक है। ये चीज़ों को आप देखो यहाँ पे, ये देखो ऐसे आपका पूरा पार्ट यहाँ पे दिखेगा। अभी यहाँ पे आपको प्लेसमेंट और बाकी सब कुछ भी देखिएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे काम करता था, जब तक ये हम लोग मैनेज नहीं करेंगे। अभी देखो ये मैंने ऊपर ऊपर किया, सब ऊपर की तरफ स्नैप हो गया यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि वर्टेक्स मैंने बोल रखा है। अभी वर्टेक्स मैंने बोला है यहाँ पे, ये पार्ट यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे, तो कंट्रोल प्रेस किया मैंने यहाँ पे, सिलेक्ट हुआ कि नहीं हुआ, देखो यहाँ पे ऑल्ट क्यों कर दूँ, ये सिलेक्ट है, ठीक है, राइट क्लिक अनहाइड ऑल। अभी ये हमने यहाँ पे किया, फ्रंट में जाते हैं यहाँ पे, इसको मैं नीचे कर देता हूँ कि भाई नीचे आ जाओ, नीचे ही चाहिए मुझे यहाँ पे, ये पार्ट देखो यहाँ पे हिलना नीचे, स्नैपिंग का लगता है, स्नैपिंग का लगता है काम नहीं करता, स्नैपिंग ऑफ कर दो यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट मुझे यहाँ पे चाहिए इसके साथ, मेक श्योर बहुत ही सही से यहाँ चीज़ें बैलेंस रहना चाहिए, ठीक है। ये पार्ट में बस यहाँ पर आ गया। अभी इसका यूज़ भी क्या होने, देखो हम लोग क्रॉस चेक किया था, हमें पता चला। अभी मुझे इसमें क्या करना है, इन सबों को मुझे कनेक्टिविटी भी देना है, ठीक है। तो मैं इसके अंदर कनेक्टिविटी भी दूंगा, तो मैं जल्दी से पहले ये कनेक्टिविटी पर आता हूँ, डोर की प्लेसमेंट हम लोग अभी आगे भी कर लेंगे। अभी यहाँ पे मैंने एक्सट्रूड कर दिया है, एक्सट्रूड करने के बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑल्ट क्यों, अभी समझना, F3 एंड F4। यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, फाइल पे जाके सेव कर लेते हैं, सेव एज कॉपी, ठीक है। मैंने 2 BHK की फाइल यहाँ पे 2 कर दिया मैंने, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे मैंने लिया एडिट पॉली। अब देखो यहाँ पे मैं हिस्ट्री मेंटेन कर रहा हूँ, ठीक है। एडिट पॉली का मतलब क्या, जब मैं दरवाज़ा बनाऊंगा तो दरवाजे के साथ मुझे वहाँ पे उस चीज़ों को कवर अप भी करना पड़ेगा, तो कैसे करेंगे वो चीज़ मैं आपको समझाता हूँ। तो सबसे पहले बात, इसकी कनेक्टिविटी होनी चाहिए। अभी एडिट पॉली को फिर से आपको समझाऊंगा कि एडिट पॉली के अंदर आप क्या काम करने वाले हो। टॉप पे गए, जेड पे गए, ये देखो जितने वर्टेक्स हैं राइट क्लिक एंड कनेक्ट, ये आपको करना पड़ेगा, ठीक है, कनेक्ट। तो यहाँ पे आपको रिपीट कमांड भी आपका साथ होता है, यहाँ पे ये क्या बोलते हैं, सेमी कॉलन, ठीक है। एंटर के एक बटन छोड़ के दूसरा बटन होता है सेमी कॉलन, ठीक है। यहाँ देखो इनको मैं ऐसे करके ये कनेक्टिविटी दूंगा यहाँ पे, ठीक है। ये कनेक्टिविटी जरूरी है, जितना बाई डिफॉल्ट हो जाए वेल एंड गुड है, नहीं तो फिर मुझे यहाँ पे काम करना पड़ेगा काम, ठीक है। यहाँ पे कुछ कुछ जगह यहाँ पे छूटा हुआ है, यहाँ देखो ये कनेक्टिविटी का यूज़ बहुत बढ़िया और बहुत स्ट्रांग है, इसलिए समझा रहा हूँ, ये आप लोग को ये ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए ये पार्ट आपने यहाँ पे क्या, मैं रिपीट कमांड यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। ये ऐसा कुछ कर दिया यहाँ पे, मैंने ऐसा कुछ कर दिया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ देखो इन तीनों को सेलेक्ट कर दिया मैंने, ऐसे कनेक्ट कर दिया, तो ऐसे भी काम हो जाएगा यहाँ पे। इसको सेलेक्ट कर दिया, कंट्रोल प्रेस करके इसको सेलेक्ट कर दिया मैंने, सेमी कॉलन प्रेस कर दिया यहाँ पे, तो आपका काम यहाँ से थोड़ा सा ईजी कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, ये दिस वन, ठीक है, दिस वन। अभी इनका यूज़ भी आपको मैं बताता हूँ, अभी हम लोग इतनी मेहनत क्यों करें ये भी समझना, ठीक है। अभी मुझे यहाँ पे कनेक्टिविटी देनी, तो मैं कनेक्टिविटी दे पाऊँगा नहीं दे पाऊँगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ देखो कहीं कुछ छूटा तो नहीं यहाँ पे कोई ऐसा पार्ट, ओके, यहाँ देखो यहाँ पे कुछ लग रहा है, तो यहाँ पे मैंने कर दिया। तो चलो हम लोग जल्दी जल्दी हम लोगों ने सब कनेक्टिविटी दे दी यहाँ पे। अभी हमने ऐसा किया तो किया क्यों, अब क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे ही आता है कि भाई हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं यहाँ पे। अभी जैसे मैंने क्या किया, राइट क्लिक अनहाइड ऑल, जो दरवाज़ा देखा मेरे पास यहाँ पे, जो दरवाज़ा, ये दरवाजे पे गए, Z4 Zoom, ठीक है। अभी एक आपके पास स्प्लाइन में एक ऑप्शन और भी आता है क्या, ये स्प्लाइन का बटन है यहाँ पे, यहाँ पे आपको होता है सेक्शन, परस्पेक्टिव इन Z4 Zoom, यहाँ देखो सेक्शन मैं ऐसे क्रिएट कर सकता हूँ यहाँ पे। और इसको मैं ऊपर ऊपर लिखा हूँ, देखो लाइन दिख रहा है आपको यहाँ पे, ठीक है। F4 Front, Z4 Zoom, F3 L, यहाँ दिख रहा है यहाँ पे दरवाजा कहाँ है, देखो दरवाजा यहाँ पे दिख रहा है आपको। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, ये इस पर्पज़ के लिए, ताकि G4 Grid मैंने ऑफ किया यहाँ पे, और यहाँ से मैं यहाँ पे लाइनें दे सकूँ यहाँ पे, ताकि मुझे एक आइडिया मिल जाए कि भाई मुझे यहाँ पे एक लाइन क्रिएट करना है, देखो यहाँ पे।
तो मैंने यहाँ पे क्या काम किया, यहाँ पे देखा मैंने टूर के साथ साथ ये चीज़ मैंने यहाँ पे किया, और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मॉडिफाई में जाके यहाँ पे क्रिएट सेव कर दिया, ठीक है, सेव कर दिया यहाँ पे। मैंने यहाँ पे क्या किया, डोर अपर पार्ट, अपर PRT कर सकते हो आप यहाँ पे। अभी ये काम मैंने कर दिया, अभी देखो यहाँ से मुझे आसानी मिल जाएगी, मुझे यहाँ सेगमेंट कहाँ देना है, ठीक है। सेगमेंट देंगे क्यों, जैसे दरवाजा, दरवाजे के ऊपर तो कुछ होता है, ठीक है। तो अभी मैंने जो कनेक्टिविटी दी, इन दोनों को समझाता हूँ। मैं ऑल्ट क्यों किया मैंने यहाँ पे, देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, ये जो पार्ट है यहाँ पे, अभी मैं एजेस लेके मैं कनेक्टिविटी देने जाऊँगा यहाँ पे, तो ऑल्ट आर रिंग दिख रहा है आपको यहाँ पे, कहाँ से कहाँ तक दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे कनेक्ट करने गया, कनेक्ट तो मुझे यहाँ पे मिलेगा यहाँ पे ये सेगमेंट, ये सेगमेंट को मैं यहाँ पे, ओ देखो यहाँ पे प्लेसमेंट है, यहाँ पे ऊपर जा रहे हैं यहाँ पे, यहाँ पे गया। अभी अगर मैं नंबर देखूँ तो मेरे पास कितना है, ये -9 दिख रहा है क्या, यहाँ देखो 37 है, तो 37 याद रखूँ, ओके कर दिया मैंने यहाँ पे। अभी यहाँ पे अगर मैंने यहाँ पे ऑल्ट आर देन कनेक्ट किया तो अपने आप ऑटोमेटिक वहाँ पे आएगा, ठीक है। अभी देखो इसका यूज़ क्या, अभी ये किया क्यों, यहाँ पे मैंने एक पॉलीगन को सेलेक्ट किया यहाँ पे, ये यहाँ से ऊपर से बंद करना पड़ेगा ना यहाँ पे, ठीक है। तो अगर मैं इनको यहाँ पे मैं मैनेज करता हूँ, मैंने यहाँ पे कर दिया ब्रिज, तो अभी आपका दीवार अब परफेक्टली बनेगा, ठीक है। तो अभी आपको तो आइडिया मिल गया होगा कि हम लोगों ने कनेक्टिविटी क्यों की। अगर मैंने कनेक्टिविटी नहीं करूँगा तो मुझे यहाँ पे देखो, यहाँ पे पॉलीगन सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे ये पॉलीगन यहाँ पे सेलेक्ट किया, ये ऊपर का पार्ट है यहाँ पे, ये नीचे का पार्ट है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, ब्रिज कर सकता हूँ, तो ये मेरे लिए आसान हो जाएगा देखो। लेकिन ये मैंने यहाँ पे सेगमेंट नहीं दिया, देखना यहाँ पे, अभी यहाँ पे सेगमेंट नहीं दूंगा, वहाँ पे ऐसी प्रॉब्लम आएगी। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, ऑल्ट क्यू, ऑल्ट क्यू करने के बाद मुझे यहाँ पे सब जगह सेगमेंट देना है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, ऑल्ट आर देन कनेक्ट, ठीक है। ये सब में आपको देख लेना है भाई, यहाँ पे देखो यहाँ पे दरवाजा है कि नहीं। अभी यहाँ पे देखो क्यों हम लोग क्रॉस चेक कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि देखो ऑल्ट आर देन कनेक्ट किया यहाँ पे, तो कनेक्टिविटी आपका मिल जाएगी यहाँ पे, ठीक है। ऑल्ट आर देन कनेक्ट यहाँ पे कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। जहाँ भी नीड है ऑल्ट आर देन कंट्रोल शिफ्ट एंड ई, यहाँ पे मैं मैनेज कर दूंगा। देखो यहाँ पे दरवाजा है कि नहीं, ये भी ध्यान से देखना है। तो जहाँ पे दरवाजा है वहाँ पे मुझे यहाँ पे चीज़ चाहिए, ऑल्ट आर देन कंट्रोल शिफ्ट एंड ई, ठीक है। मैं अभी ब्लाइंडली दे रहा हूँ ताकि मुझे लग रहा है कि यहाँ पे जहाँ पे खुला वहाँ पे दरवाजा होना चाहिए। तो शॉर्टकट मैंने बताया, ऑल्ट आर एंड कंट्रोल शिफ्ट एंड ई, ठीक है। तो ये आपको तो सारे मिल जाएगा, ऑल्ट आर एंड कंट्रोल शिफ्ट एंड ई, ठीक है। यहाँ देखें ऑल्ट आर एंड कंट्रोल शिफ्ट एंड ई, एक साथ हम लोग यहाँ पे इतने सेगमेंट हमने दिए यहाँ पे, ठीक है। अभी सेम चीज़ जैसे मैंने बताया, प्लेसमेंट की नीड है, तो प्लेसमेंट की नीड है तभी हमें पूरे प्रॉपर क्लियर होगा। तो अनाई डॉल किया मैंने यहाँ पे टॉप पे गए, जो मैंने दरवाजा बताया, दरवाजा लगाए बिना हम लोग यहाँ पे कंफर्टेबल नहीं होंगे, लगेगा कि कहीं ना कहीं कुछ मिस हो रहा है यहाँ पे। देखो यहाँ पे मैंने दरवाज़ा लगाया, अभी इसके अंदर पार्ट में गए यहाँ पे और फ्लिप कर दिया यहाँ पे, ये इधर और ये इधर नहीं होगा यहाँ पे। देखो ये दरवाज़ा हमारा कैसे खुल रहा है, अपोजिट खुल रहा है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मिरर पे गए और मिरर में जाके नो कॉपी, ठीक है, और फ्लिप कर दो, नहीं ये काम पहले ऐसे ही ठीक लग रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मुझे देखो प्लेसमेंट कैसे देना है, प्लेसमेंट में दरवाज़ा यहाँ पे रहना चाहिए, ठीक है। तो दरवाजे के लिए फ्लिप हिंज यहाँ पे ये काम करें यहाँ पे, तो ये भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। मुझे यहाँ पे कॉपी चाहिए, कॉपी चाहिए मुझे यहाँ पे, और कहाँ चाहिए, वाई पे चाहिए। तो मैंने यहाँ पे देखो यहाँ पे मैंने कर दिया वाई पे, तो वाई पे मैं बस यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाना चाहिए यहाँ पे, देखो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। मुझे यहाँ पे चीज़ों को मैनेज करना है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, कॉपी किया मैंने यहाँ पे, और मुझे यहाँ पे जेड में चाहिए क्या, जेड में नहीं, एक्स में कर दो आप यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ देखो अमाउंट है, थोड़ा सा मेहनत लगेगी यहाँ पे, आप यहाँ पे थोड़ा सा इसको आप मैनेज कर सकते हो। स्नैपिंग आप ऑन कर लो, स्नैपिंग के साथ आप डील करो तो आप स्नैपिंग के साथ भी आप काम कर सकते हो आप यहाँ पे। मेक श्योर एक बार ये ध्यान देना कि भाई स्नैपिंग में यूज़ करो, कभी स्नैपिंग में ऐसे भी होता है देखो ऊपर आ गया यहाँ पे, तो इसलिए मेक श्योर। अगर स्नैपिंग में अगर ये नहीं तो मुझे यहाँ पे क्या काम करना, देखो स्नैपिंग का भी कुछ ऑप्शन आपको, मैं मुझे वर्टेक्स नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, एज सेगमेंट्स, ठीक है। और ग्रिड पॉइंट हटा देते हैं यहाँ पे, ठीक है। मिड पॉइंट, एंड पॉइंट, एंड पॉइंट पे यहाँ पे काम करो, तो यहाँ पे अपने आप चीज़ें थोड़ा सा डिडक्ट करेगा यहाँ पे, देखो यहाँ पे, ठीक है। ये भी क्रॉस चेक कर लेना है, इस भरोसे मत बैठना कि कई बार स्नैपिंग में आपको ऐसे भी कुछ चीज़ें इफेक्ट करेंगे आपके पास यहाँ पे, ठीक है। देखो ये यहाँ पे डोर यहाँ पे खुला हुआ है, तो मैंने इसको मैंने पकड़ा यहाँ पर, ठीक है। और शिफ्ट एंड कॉपी, देखो दरवाजे कितने लगे हमारे पास यहाँ पे, तो मैं इन चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। अभी यहाँ पे मैंने क्या किया, ठीक है, ये यहाँ पे मैं मैनेज कर रहा हूँ, ये पार्ट मैंने यहाँ पे किया, ठीक
ठीक है, यहाँ पर मुझे क्या करना है, पावर्ड पे गए, पावर्ड पे जाने के बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, विथ विथ देखो विथ यहाँ पे काम ज़्यादा कर रहा है यहाँ पे, तो इसको मैंने यहाँ पे मैंने मैनेज कर दिया यहाँ पे। ठीक है, तो विथ को मैं यहाँ पे मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ऐसा कुछ किया जा सकता है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे मैं तो होता मैं मैनेज कर रहा यहाँ पे कि कैसे क्या क्या काम कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। ओके, यहाँ पे जस्ट क्रॉस चेक कर लेते हैं यहाँ पे कहाँ पे क्या क्या चीज़ें। चलिए इसको भी थोड़ा प्लेसमेंट देते हैं यहाँ पे। अभी मैंने यहाँ पे क्या किया, ये पार्ट में बस यहाँ पे है तो मैंने शिफ्ट एंड कॉपी यहाँ पे कर दिया यहाँ पे। ठीक है, कॉपी में यहाँ पे मैं कॉपी नहीं करके मैं मिरर कर दो मेरे ज़्यादा बेटर यहाँ पे, मिरर है यहाँ पे। ठीक है, कॉपी कर दिया मैंने यहाँ पे और प्लेसमेंट यहाँ पे मैं दे देता हूँ यहाँ पे, भाई मुझे यहाँ पे प्लेसमेंट चाहिए तो यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, प्राइवेट पे गए, यहाँ पे फ्लिप स्विंग यहाँ पे कर दिया, तो मेरे पास यहाँ पे काम हो जाएगा यहाँ पे। देखना, देखो यहाँ पे जो काम हम लोग कर रहे हैं वो कई बार ऐसे भी आपको दिखते हैं। पार्ट दिख रहा है यहाँ पे, किसका दरवाजा यहाँ पे, ये भी आपको मेक श्योर। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया, ये पार्ट में बस यहाँ पे ओके Z4 जूम। ठीक है, ये मेक श्योर आपके लिए। यहाँ पे अभी बस स्नैपिंग कौन सा काम कर रहे हैं, स्नैपिंग में मैं अगर काम करूँ यहाँ पे तो स्नैप में यहाँ पे एंड पॉइंट बहुत बढ़िया काम नहीं कर रहा, ये काम नहीं कर रहा यहाँ पे। ठीक है, तो व्हाट आई वांट, अभी देखो यहाँ से मैं अगर वर्टेक्स पे अगर मैं काम करने जा रहा हूँ तो मुझे इसको ऑफ करने के बाद मैं काम करूँगा तो मेरे पास ये चीज़ें बढ़िया दिखेगी। जैसे देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, अगर मैं वर्टेक्स पे काम कर रहा हूँ तो मेरे पास ये वर्टेक्स कैसे काम करते हैं देखो आप। ठीक है, ठीक है, तो ये मैं ऐसे करके मैं मैनेज कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैंने किया, देखो ये वर्टेक्स कहाँ तक जा रहा है, तो ये चीज़ें मैं यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर मैं देखूँ कि भाई मुझे कैसे क्या काम करना है, तो स्नैपिंग ऑफ। ठीक है, और यहाँ से मैंने क्या किया, इसका मैंने मैनेज कर दिया, तो काम कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग सारे दरवाजे प्लेस कर लिए यहाँ पे। ओके, और इसके बाद मैं यहाँ पे क्या काम करने वाला हूँ, यहाँ पे देखो अभी यहाँ पे मैं एक एक करके, जैसे अभी यहाँ पे देखो Z4 जूम कर दिया यहाँ पे, ये कभी कभी भाग जाता है, क्यों भाग जाता है ये भी बता दो, जैसे कभी होगा ना यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे, ये सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे ब्रिज कर लेंगे तो जल्दी जल्दी हो जाएगा आपका यहाँ पे। तो ये हम लोग जो मॉडल करते हैं, मॉडल करते हैं आपको यहाँ पे ये चीज़ें ध्यान देना पड़ता है यहाँ पे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो फ्रेमिंग है, फ्रेमिंग पे अलग से काम करेंगे यहाँ पे। फिलहाल मैं इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे और इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे। ठीक है, तो ब्रिज हो गया यहाँ पे। ठीक है, ओके, जैसे ये पार्ट है मेरे पास यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे पूरा जा रहा है यहाँ पे, पूरा जाने का मतलब क्या है कि हमने यहाँ पे एजिस नहीं दिए क्या, ऑल्ट आर राइट क्लिक एंड कनेक्ट। मैक्स कनेक्ट बेनिफिट है कि ये ऑटोमेटिक ये याद रखता है कि आपने लास्ट टाइम जो किया वो कैसा है। ठीक है, तो ये पार्ट हमने यहाँ पे क्या किया, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, ब्रिज कर दिया यहाँ पे। ठीक है, और जितने दरवाजे वाले पे पहले काम करते हैं, आराम से काम करेंगे यहाँ पे ताकि चीज़ों को हम लोग फुलफिल कर सकें यहाँ पे। ये सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे, ठीक है, एंड देन ब्रिज कर दिया यहाँ पे। ठीक है, ये पार्ट मैंने यहाँ पे सेट किया और ये पार्ट यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया, तो ब्रिज हो जाएगा आपके यहाँ पे। तो ऐसा ईजी हो जाएगा, तो आपको समझ में भी आएगा, चलो ऑटोकैड फाइल पे कैसे क्या काम कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, ब्रिज किया मैंने यहाँ पे, ये देखो जितने भी आपके पार्ट हैं आपके पास यहाँ पे, ये चीज़ को मैं ऐसे कंफर्टेबल होकर मैं यहाँ पे डील कर लूँगा यहाँ पे। तो सेम चीज़ कहाँ पे क्या है ये आपको आइडिया मिलना चाहिए। अभी दरवाजे और इसके गैप आपको समझ में आएगा, तो गैप कैसे है। ठीक है, दरवाजे के ऊपर कहाँ पे जगह खाली है, कहाँ पे कौन सी दीवार कैसे जाने वाली है, तो ये पार्ट आप यहाँ पे देखो नीचे तक जा रहा है। इट मीन्स व्हाट कि आपका यहाँ पे एजिस कनेक्टिविटी नहीं है, ऑल्ट और राइट क्लिक एंड कनेक्ट कर दिया मैंने। ठीक है, अब यहाँ देखो पॉलीगन पे गए, ये पार्ट मैंने यहाँ पे कर दिया यहाँ पे, और देन दूसरा पार्ट यहाँ पे कर दिया यहाँ पे। ठीक है, तो मैंने कर दिया ब्रिज, यहाँ देखो ये आपको यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे, तो जितने भी दरवाजे हैं दरवाजे के साथ हम लोगों ने ये दीवार खड़ा कर लिया, तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे सेफ्ट एफ। और मैंने देखो यहाँ पे एकदम से बहुत ज़्यादा भाग जाता है यहाँ पे, तो मैं चीज़ों तो थोड़ा सा ऐसे मैं मैनेज कर लूँगा। ठीक है, कंट्रोल सी करो, कंट्रोल सी फॉर कैमरा होता है। ठीक है, इसको आपको थोड़ा सा डील करने में आसानी भी होगी। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे ये यहाँ पे, तो यहाँ पे आप यहाँ पे जूम कर सकते हो। देखो यहाँ देख रहे हैं नंबर ऑफ कॉपी, यहाँ पे ये देख रहे हैं नंबर ऑफ एफ ओ वी, मैं यहाँ पे डील कर रहा हूँ यहाँ पे, मैंने ऐसा कुछ किया। ठीक है, जब आप कैमरा लोगे तो कैमरे के साथ यहाँ पे पैनिंग भी होगा। यहाँ पे देखो यहाँ पे कैमरे के टूल्स यहाँ पे अलग आ जाएंगे। देखो यहाँ पे देख रहे हैं रोलिंग है यहाँ पे, जूम है यहाँ पे, यहाँ पे देखो ट्रैक है, ट्रैक यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। देखो यहाँ पे ट्रैक देखो कितना आराम से यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पे। और देन यहाँ पे शिफ्ट एंड क्यू मैंने रेंडर करके दिखाया, तो रेंडर में आपको देखिएगा यहाँ पे दरवाजे का पार्ट आपका अलग है। इसको मैं एक काम और भी करूँगा, मैंने दीवार का कुछ कलर में चेंज कर देता है यहाँ पे, एम्प्रेस किया यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसा
लाइट यहाँ पे क्लिक किया मैंने यहाँ पे, ठीक है कलर में तो ऐसा लाइट कलर ऐसे लेता हूँ इसी का, है ना। दीवार को सिलेक्ट कर दिया, वॉल को सिलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे, एंड देन मैंने असाइन कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसा हमारे पास कॉम्बिनेशन बन जाएगा और स्विफ्ट क्यों रेंडर करेंगे तो ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन हम लोग दिखा सकते हैं कि क्या हम लोग कैसे आर्किटेक्चर को, लाइक आर्किटेक्चर बिल्डिंग को या फ्लोर को कैसे हम लोग बना सकते हैं, कैसे काम कर सकते हैं।